गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, माई नेम इज़ मिस दविंदर कौर इंसा फ्रॉम शाह सनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। टुडे वी विल डू पोएम वेयर गो द बर्ड्स डिक्टेशन। आज हम इस पोएम की डिक्टेशन करेंगे। तो आपने इस पोएम में देखा है जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उन स्पेलिंग्स को आपने लर्न करना है और अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करना है। दीज आर द टफ वर्ड्स, ये कुछ टफ वर्ड्स हैं जिसको हम डिक्टेशन के रूप में नोटबुक में राइट करेंगे, ठीक है। तो ये होती है डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब है आपको कुछ स्पेलिंग्स को लर्न करना है और अपनी नोटबुक पर राइट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वर्ड है गोल्डन, GOLDEN, गोल्डन, ओके। नेक्स्ट है SAND, सैंड। सैंड मीन्स रेत होता है और गोल्डन मीन्स गोल्डन कलर होता है। नेक्स्ट है अलोंग, ALONG, अलोंग। अलोंग मीन्स रिवर के साथ साथ, ओके। नेक्स्ट है ईदर, EITHER, ईदर से मतलब सड़क के दोनों तरफ, ईदर हैंड से मतलब दोनों तरफ। नेक्स्ट है FLOATING, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब तैरना। नेक्स्ट है कासल्स, CASTLES, कासल्स का मतलब शेप्स, जैसे महल की शेप, कुछ भी शेप्स बन जाती हैं पानी के अंदर जब फॉर्म झाग होती है तो वो कोई भी शेप बनाती है तो वो कासल्स होते हैं। नेक्स्ट है FOAM, फॉर्म। उसके बाद है MILL, मिल। मिल का मतलब फैक्ट्रीज होती हैं। VALLEY, वैली। वैली का मतलब होता है दो हिल्स के बीच में जो खाली प्लेस होता है उसको हम वैली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है HILL, हिल। इन स्पेलिंग्स को आपको लर्न करना है और नंबरिंग करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखते हुए आपको इन वर्ड्स को राइट करना है और इनकी स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है माइल्स, MILES, माइल्स का मतलब कितना डिस्टेंस, दूरी, कितना दूर जो है वो नदी जो रिवर है वो जाएगी, कितने माइल्स पर जाएगी, MILES, माइल्स। नेक्स्ट है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। इसके बाद एशोर, ASHORE, एशोर मीन्स किनारा। तो ये वर्ड्स हैं, इनकी स्पेलिंग्स को आपको लर्न करना है और राइट करना है अपनी फेयर नोटबुक में। हैव अ नाइस डे।